फिर बिखरे रुद्राक्ष और प्रीशा के रिश्ते। प्रीशा का झूठ। रुद्राक्ष की तड़प। स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते में, रुद्राक्ष और प्रीशा मिल तो गए हैं, लेकिन अब भी एक दूसरे से नाराज हैं। एक दूसरे के बीच गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि प्रीशा ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि वो प्रीशा है। उसने तो रुद्राक्ष और उसकी मम्मी को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। वैसे आपको बता दे कि रुद्राक्ष प्रीशा और रूही को ढूंढते ढूंढते इस गांव में पहुंच गया है, जहां पर प्रीशा और रूही रह रहे हैं। और जब होता है प्रीशा और रुद्राक्ष का फिर से आमना सामना, तो दोनों में हो जाती है घमासान लड़ाई। असल में प्रीशा सच को छुपा रही है और रुद्राक्ष को इस बात पर प्रीशा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। और आज दोनों के बीच हो गई रुद्राक्ष की मम्मी को लेकर बहसबाजी। जिंदगी भर का इतना बड़ा जख्म दे दिया मुझे और अब ये तमाशा कर। लाइफ में तो बहुत सारे तूफान आए हुए हैं। अभी सबसे पहले जो जिस गांव में वो था उसे एक छोटी सी बच्ची मिली जिसके साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया। पर वो एक्चुअली ढूंढने तो आया था प्रीशा को, क्योंकि उसे पता था प्रीशा कहीं ना कहीं जिंदा उसका दिल उसे कह रहा था। सिचुएशन ऐसी है कि प्रीशा भी उसे शायद मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों उससे दूर भी हो रहे हैं किसी वजह से। इसको फिर से रुद्राक्ष का साथ नहीं दे रही है और इसकी वजह से उनको अभी तो रूही मिली थी, रूही भी उससे दूर चली गई। बस उनको ही ढूंढने में लगा हुआ है रुद्राक्ष, वापस से कश्मकश में है। कहीं ना कहीं रुद्राक्ष और उसकी मम्मी को पता है कि प्रीशा नौटंकी कर रही है और सच को छुपा रही है, लेकिन प्रीशा की क्या मजबूरी है ये रुद्राक्ष और उसकी मम्मी को नहीं पता है। एक्चुअली हम बहुत खुश हैं कि हमें पता चला कि प्रीशा जिंदा है, लेकिन इसके साथ दुख भी हो रहा है क्योंकि प्रीशा पता नहीं क्यों इतनी बदली बदली सी है। वो हमें अपना मानने को तैयार ही नहीं है। मैं उसके पास गई, वो मेरे साथ कनेक्ट करने की मैं उसके साथ कनेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे जुड़ नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन अभी भी सच नहीं बता रही है। तो और मेरा बेटा बहुत दुख में है क्योंकि उसने मेरे बेटे को भी धुतकार दिया है, झूठ बोला है कि रूही युवराज की बेटी है। गुस्से में आकर रुद्राक्ष अपनी मम्मी को कार में बिठाकर वहां से ले जाता है, लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आता है जब गाड़ी की डिक्की में चुपके से रूही बैठ जाती है, क्योंकि वो छुप छुप कर अपने मम्मी पापा का झगड़ा देखती है। और अब रूही ने तय कर लिया है कि वो सब कुछ ठीक कर कर ही रहेगी। तो भाई अब देखना होगा कि रुद्राक्ष और प्रीशा की गलत फहमियाँ कब और कैसे दूर होती है और कब होता है इनका पुनर्मिलन। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।